Hello students, next question. In an unbiased p-n junction diode, holes diffuse from p region to n region because p-n junction diode mein jo holes hota hai wo p region se n region mein holes diffuse from p region to n region. To idhar dekho zara dhyan se, ye p hai, ye n hai. P region से N region में holes diffuse होता है, मतलब क्या होता है, यहाँ पे electron and holes आपस में recombine होते हैं, तो यहाँ पे holes diffuse होता है from P region to N region. तो ये ऐसा क्यों होता है, holes diffuse होता है क्योंकि holes की density ज़्यादा होती है, मतलब holes का number of holes ज़्यादा होता है. तो जरा ऐसा option देखते हैं, तो the potential difference across P region PN junction across पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्रॉस पीएन जंक्शन, पहला रीजन है भाई. इनिशियल में पी रीजन एन रीजन में जब तक होल्स इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसमिट नहीं होंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, तब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा. अट्रैक्शन ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन, और हायर होल कंसेंट्रेशन, देखो आगे आंसर, हायर होल्स कंसेंट्रेशन इन पी रीजन, होल्स कंसेंट्रेशन पी रीजन में ज्यादा होता है जिसकी वजह से उसके अंदर जाके डिफ्यूज होता है. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडियल डायोड आर कनेक्टेड इन द बैटरी एज शोन इन द सर्किट, द सर्किट सप्लाई टू द बैटरी. अच्छा, अब यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे करंट सप्लाई टू द बैटरी, करंट कितना फ्लो होगा ये अपने को निकालना है. तो सबसे पहले तो ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब करंट इधर जाएगा. यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका डायोड जो कनेक्टेड है ये N है और ये P है, और आपको मैं एक बात बता दूं, कभी भी N से P की तरफ करंट नहीं जाती है, N से P की तरफ करंट कभी भी नहीं जाती है. तो इसलिए ये आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इधर से करंट नहीं जाएगी, तो करंट ऊपर पूरी की पूरी जाएगी. ये देखो फॉरवर्ड बायस में है, तो करंट ऐसे ऐसे निकल आएगी बेटा. तो अब इसमें से 5 वोल्ट पोटेंशियल है, करंट निकालने का है, और ये आइडियल है, मतलब ये कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कर रहा है. तो 5 वोल्ट इधर से गया तो 5 वोल्ट इसके पास गया, इधर 10 ओम है तो करंट निकालना है. तो I इक्वल्स टू V बाई R होता है, तो V की वैल्यू 5 वोल्ट है अपॉन R की वैल्यू 10 है, तो 0.5 एम्पियर योर आंसर, दैट इज द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैविंग द लैटिस स्ट्रक्चर, दोनों लैटिस स्ट्रक्चर है, having the 4 bonding electron in each, ठीक है? However, carbon is insulator where silicon is the semiconductor, ऐसा क्यों होता है? ठीक है? अगर मैं carbon silicon की बात करूँ, दोनों 14th group के element होते हैं, बेटा. तो अगर आप लोगों ने तो देखा रहेगा, तो आप लोगों को पता रहेगा कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये तीनों 14th ग्रुप के एलिमेंट है. ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन की बात कर रहे हैं, ये दोनों 14th ग्रुप के, इनका मतलब इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा. 4 इलेक्ट्रॉन दोनों सेम ग्रुप में है, आउटर मोस्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये आपका कार्बन जो होगा ये एक तरीके से नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, और सिलिकॉन आपका सेमी कंडक्टर है. ऐसा क्यों? देखो कार्बन अगर आप देखेंगे तो आपका सेकेंड ग्रुप में आता है, सिलिकॉन आपके थर्ड ग्रुप में आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थ्रू न्यूक्लियस कम होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव किया जा सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं किया जा सकता. तो ऐसा ऑप्शन जिसमें इससे रिलेटेड कुछ हो. इनकेस ऑफ कार्बन वैलेंस बॉन्ड ई वैलेंस बैंड इज नॉट कम्प्लीटेड, ऐसा कुछ नहीं है. इन केस ऑफ कार्बन कंडक्टर कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड, अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जबकि इंसुलेटर है. ये ऑप्शन रॉन्ग है तुम्हारा भाई. नेक्स्ट देखो, द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ कार्बन लाइज इन द सेकेंड ऑर्बिट एंड वेयर एज इन द केस ऑफ सिलिकॉन थर्ड. वेरी नाइस, यही है भाई तुम्हारा. तो यही तुम्हारा राइट आंसर है. सेकेंड ऑर्बिट देखोगे तो ये न्यूक्लियस है, ये सेकेंड ऑर्बिट में कार्बन एस्टेब्लिश करता है न्यूक्लियस, थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन इसके रहते हैं, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है एज कम्पेयर टू दिस, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव किया जा सकता है, इट विल बिहेव लाइक सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. इन नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का कैसा बायस है, फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग है. तो यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट याद रखने का, हमेशा फॉरवर्ड बायस के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस के लिए ये पी रीजन है एन है, पी हमेशा कनेक्ट होगा पॉजिटिव से, एन कनेक्टेड होगा नेगेटिव से, पी कनेक्ट होगा पॉजिटिव से, एन कनेक्ट होगा नेगेटिव से. द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विद द पी साइड एंड डिप्लेशन रीजन बिकम थिक. अच्छा मेरे भाई एक बात बता दूं,
तो P साइड से कनेक्टेड है, ये तो फिक्स है, P रीजन पॉजिटिव टर्मिनल P साइड से कनेक्टेड है, ये आंसर हो सकता है। ये N साइड से कनेक्टेड है, रॉन्ग है, ये भी N साइड से कनेक्टेड, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। थर्ड वाला देख लो, कनेक्टेड विद, इन दोनों में से ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे एक दो चीज है, एक तो या तो उसका डिप्लेसन थिक हो या फिर थिन हो। मेरे भाइयों थिक एंड थिन के कंसेप्ट को समझ ले, थिन मतलब पतला हो जाता है, obviously depletion width कम होने लगता है किसके अंदर, forward bias में। तो your option D is the right answer, your option D is the right answer, got it, your option D is the right answer, okay। next question है, in small amount of antimony is added to germanium crystal, अगर मैंने antimony germanium crystal में डाला, add किया, तो भाया ये क्या बनेगा। अरे एक बात बता दो, antimony सबसे पहली बात इसका representation Sb होता है, Sb कौन से group का element है, 15th group का है कि 13th group का है। अगर मैं antimony की बात करूं, एंटीमनी की बात करूं तो आपका 15th ग्रुप का एलिमेंट होता है, 15th ग्रुप अगर ऐड किया जाता है, पेंटावलेंट इंब्रूड ऐड किया जाता है सिलिकॉन जर्मेनियम में, तो क्या बनता है, एन टाइप। तो ऑप्शन आपका एन टाइप रहेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर रॉन्ग है, एंटीमनी बिकम एक्सेप्टर, ओके एन टाइप जो होता है, एन टाइप बना, पहली बात याद रखने का, एन टाइप बना, और एन टाइप जो होता है ये तुम्हारा, एन टाइप जो होता है ये डोनर होता है, एन टाइप जो होता है ये डोनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, देयर इज एक्सेप्टर, तो अलग भी ऑप्शन नहीं होगा, देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन देन होल्स इन सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद में द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो ये रेजिस्टेंस, देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, एन टाइप बन रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, तो मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन द होल्स, ये आंसर आपका राइट है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ ये सेकंड पार्ट अपना, जो ये फर्स्ट पार्ट जो था अपना सेमीकंडक्टर का, दैट इज ओवर। इसके बाद दो लेक्चर सेमीकंडक्टर के मैं और लाऊंगा, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर लॉजिक गेट। तो फॉर टुडे सेशन माय डियर स्टूडेंट्स इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।